जनता आ गई है सब, फिर देखेंगे तो सब लोग आ गए कि नहीं आ गए। हेलो 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 गाइस, स्टार्ट हो गया। अरे भाई राखी पानी भी पिला दे यार। स्टार्ट हो गया, लाइव है, हम लाइव हैं आज। जनता जानना चाहती है कि हम क्यों हैं लाइव। तो बताया जाए कि हम क्यों हैं लाइव। हाय एवरीवन, मैं शक्ति मनोजा डून सिटीजंस ऑनलाइन में आप सबका स्वागत करती हूँ। और इस ग्रुप को, डून सिटीजंस ऑनलाइन ग्रुप को क्रिएट करने का पर्पज है देहरादून को बेहतर बनाना। और कोई भी शहर बेहतर कैसे बनता है, वहाँ के वेल मैनर्ड, कल्चर, टैलेंटेड लोगों से, मौसम से, एनवायरनमेंट से, इंफ्रास्ट्रक्चर से। और देहरादून इज यू कैन से कल्चरली रिच सिटी। और हमारे कल्चर को प्रमोट करने में हमारे बहुत से देहरादून के ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट रहे हैं जिन्होंने देहरादून का नाम देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी फैलाया है। जैसे कि बहुत से म्यूजिशियंस, सिंगर्स, डांसर्स, एक्टर्स, वो सब देहरादून से रहे हैं। उन्हीं में से हमारे जाने माने यूथ आइकन, आर ओन लविंग देहरादून के डांसर, एक्टर एंड कॉमेडियन राघव जुयाल, जो आज हमारे साथ हैं। राघव, आपका स्वागत है। धन्यवाद। डून सिटीजंस ऑनलाइन ग्रुप में। और उनके साथ है हमारी आरजे आकृति। क्या बात है, क्या बात है। मैं खुद ही बचा रही हूँ। चुलबुली ड्रामा क्वीन आकृति, बहुत से क्वेश्चंस पूछेंगी, राघव की जर्नी के बारे में पता करेंगी, राघव की डांस एक्सपीरियंसेस, देहरादून को और कैसे बेहतर बनाया जाए। सो आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डालिए और जर्नी स्टार्ट करते हैं। हम अपनी आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं विद आकृति एंड राघव जुयाल। सो ओवर टू आकृति। अच्छा, उसके साथ साथ आप लोग लाइव में बता दीजिएगा कि अगर वॉइस क्लियर नहीं है या कुछ ऐसा है, प्लीज जितने भी लोग देख रहे हैं आप बता सकते हैं। अच्छा, जैसे मैम ने, थैंक यू मैम इंट्रोडक्शन के लिए। आज से आकृति है मेरा नाम और राघव से आज हम बात करने वाले हैं। हम सभी राघव जानते हैं कि आप देहरादून से बिलोंग करते हो, और जो देहरादून से नहीं भी जानते थे, जो लोग आपको फॉलो करते हैं, आप वीडियोज में देहरादून का जिक्र हमेशा करते हैं, तो आपकी बॉन्डिंग देहरादून से साफ नजर आती है। वो डांस प्लस हो या कुछ भी हो, आप कहीं ना कहीं नजर आती है। वो देखो स्वभाव में, जो जहाँ से तुम हो ना, जहाँ से तुम हो, स्वभाव में वो झलकना चाहिए। ये तो बात है ना, वो स्वभाव में जब झलकेगा तभी तुम अपनी इंडिविजुअलिटी लेके कुछ भी चीज़, कोई भी आर्ट हो, चाहे पेंटिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, तो अपनी क्या है स्वभाव तुम्हारा जो है। जैसे मेरा स्वभाव देहरादून के लॉन्डो का है। हाँ। मैं घूमते रहता था, कभी चाट इधर गली, कभी चाट गली, कभी यहाँ, कभी मैगी पॉइंट, तो वो हाँ तो वो स्वभाव ना तुम्हारा बना रहना चाहिए बॉम्बे तक भी, तो तुम्हारी इंडिविजुअलिटी भी दिखेगी, ऐसा होता है। अच्छा राघव, जब मैं बात कर रही हूँ आपकी और देहरादून की, तो देहरादून की ऐसी कौन कौन सी जगह है जो इतनी ज्यादा आपको पसंद है कि मतलब अगर राघव देहरादून आया है, घर पे नहीं है तो वो वहीं पे ही है, कौन सी है वो जगह? अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो मैं वहाँ पर हूँ। मैं यार देखो, मेरा देहरादून में जब मैं आता हूँ तो मुझे तो किवाड़ी की साइड जाना बहुत पसंद है। फिर किवाड़ी से ऊपर, किवाड़ी से ऊपर लंबी धार, तो वहाँ पर मैं लॉन्ग ड्राइव पे वैसा वाला हिसाब है, तो वहाँ पसंद है मेरे को। फिर वहाँ से मालदेव तभी के ऊपर भी जो टेवी की रोड जाती है, वो देहरादून के इलाकों का तो ये पता है, मुझे बहुत पसंद है। हालांकि मैं ऋषिकेश में भी बहुत रहता हूँ, उत्तराखंड में पूरा मज़े लेता हूँ उत्तराखंड के, जब भी आता हूँ। क्योंकि दोस्त भी मेरे जो सारे हैं वो उत्तराखंड से ही हैं सभी से। और साथ ही अभी आपने जो जगहें बताई वो सारी कैफे वाली नहीं है, वो सारी नेचर वाली है, तो उससे ये भी समझ में आता है कि राघव को कैफे और ढिकचिक ढिकचिक से ज़्यादा पीस और वो सारी चीज़ें पसंद है। लेकिन आपके नेचर, आपका नेचर जैसे एकदम वाइब्रेंट सा, चुलबुला सा, और मतलब इतने एनर्जेटिक आप रहते हो, लेकिन आपको पीस और नेचर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और आपका झुकाव हमेशा रहता है ना इसकी तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो विपरीत, मतलब ऑब्वियसली एनर्जी मेरी उससे आती है यार, एनर्जी
मजा आता है। मैं तो यही तो ये मेरे को दे दो, ऐसा लग रहा है कि पूरा अगर रोजा रखा है ना उसके ले रहे हैं। तो ये जो झुकाव क्या है यार, ये देखो वही मजा आता है यार मुझे, मुझे ना एक लव लव पाए डिक्ची डिक्ची बंद कमरे में पार्टी वाला तो बिल्कुल सीन मुझे पसंद नहीं है। तो मुंबई में कभी नहीं जाते आप पार्टी? मुंबई में कभी जैसे कोई इनवाइट करते जैसे कोई जैसे चले जाए तो मैं चले जाता हूँ देखने, लेकिन वो फिर मैं वहाँ ना वो ज़्यादा देर तक यार वही होता है कि क्या हो रहा है यार कुछ अलग कुछ। हाँ मुंबई मुंबई में भी मैं क्या करता हूँ, मैं वेस्टर्न घाट घूमने चले जाता हूँ गाड़ी लेके, नाने तो घाट नेचर के पास। नाने घाट चले जाता हूँ, उधर चले जाता हूँ, लोनावला चले जाता हूँ। दोस्त है मेरा देहरादून का ही है, उत्तराखंड का ही है, मतलब ज्वालापुर का है, ताबिश बहुत अच्छा डांस सिंगर है। तो उसके साथ हम लोग मिल के निकल जाते हैं वहाँ पर। तो यही होता है यार कि झुकाव थोड़ा रहता है, थोड़ा हम लोग हवा के झोंके की तरह ना, मतलब जहाँ पर हवा ले गई वहाँ या तो लोग वेब सीरीज देखे जा रहे देखे जा रहे या फिर लोग खाना बहुत खा रहे, तो सबसे पहले तो ये बताओ खाने में क्या क्या नया ट्राई, क्योंकि सब तो शेफ बने हुए थे लॉकडाउन में, आप भी क्या ये टिपिकल शेफ बने बनाए मम्मी को खिलाया आंटी को? नहीं यार मैं शेफ तो नहीं बन पाया कि मम्मी मेरे को बनने का मौका नहीं दे रही है। मतलब तो वो सुबह उठती मतलब उनके उनका शौक है ना बहुत, नए नए केक बेक करती हैं केक्स और 10,000 तरह की चीज़ें बनाती रहती है मेरे लिए। हालांकि मैं इंस्टाग्राम पे डालता नहीं हूँ कुछ, आजकल आपने देखा मेरे को मन नहीं हो रहा है इंस्टा पे कुछ ना ऐसा कुछ डालने का, या कोई सेलिब्रिटी पोछा लगा रहे हैं देखो मैं सेलिब्रिटियों को पोछा लगा रहा हूँ, वो सब चीज़ें ना मुझे करनी पसंद नहीं है। और वो चैलेंजेस आ रहे हैं क्योंकि आजकल एक तो माहौल ऐसा हो रखा है कि लोग, मैं बहुत प्रिविलेज हूँ, मेरे पास घर है गाड़ी है खाने को सब चीज़ अवेलेबल है, देहरादून में आपका किसी चीज़ की कमी नहीं है, चलाइयाँ हैं, लौकियाँ हैं, तोरियाँ हैं, राजमा यहाँ है, चावल यहाँ है, तो क्या है हम लोग बहुत प्रिविलेज हैं इस मामले में। लेकिन बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर लोग प्रवासी घर नहीं पहुँच पा रहे हैं, बहुत बुरी हालत हो रही है बाहर, तो वो मैं दिखाना मैं इंस्टाग्राम पर ना अपना प्रिविलेज शो करने में मुझे थोड़ी शर्म और हिचकिचाहट सी आती है। बट घर में मम्मी है तो मम्मी क्या है थोड़ा माहौल, बहुत सालों बाद मुझे माहौल मिला है घर का, बहुत टाइम बाद ऐसा नॉस्टैल्जिक लग रहा है कि मैं वो पूछने वाली थी कि कितने टाइम बाद आप बैठे हैं घर में, इतना लंबा टाइम, बहुत लंबे टाइम तक, मतलब ये बहुत टाइम हो गया। और मेरे को बड़ा अच्छा लगने लग गया कि यार ये तो वक्त दोबारा नहीं आएगा। पापा के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ इतने सालों बाद, वॉक पर जा रहा हूँ, मम्मी के साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ इधर उधर की, तो ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, तो मुझे अच्छा लगने लग गया है अब, ये इसमें मजा आने लग गया है, मुझे अच्छा लगने लग गया घर में रह के, और मजा आता है मुझे रहने में। अच्छा तो मतलब ठीक है खाना तो नहीं आपने पकाया गया लिखा है वो, तो वेट कितना बड़ा है? बहुत यार, वेट कितना बड़ा है देखो ना दिख रहा है दिख रहा होगा सब कुछ। नहीं तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारे नौजवान बॉम्बे में जो बैठे कि मेरे साथ ये हो रहा है, शरीर ऐसा हो जाएगा, काम नहीं मिलेगा, सब टेम्पररी होता है बाबा, ये पेट भी टेम्पररी है, अपना जब आप अपनी रूटीन में होगा सब हट जाएगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। अभी होगा नहीं वो पता नहीं, वो तब पता चलेगा। अच्छा अच्छा, जैसे आपने बोला कि क्रिकेट वगैरह खेल रहे हो, लूडो के लिए लोग बड़े पागल हो रहे हैं आजकल, तो लूडो अभी तक खेला इस क्वारंटाइन में लॉकडाउन में? नहीं, बहुत शौक है लूडो। अच्छा लूडो खेलने का? मम्मी को, मम्मी और मामा जी है मेरे, ऑनलाइन चलता है लूडो ऑनलाइन चलता है, आवाज आती रहती है दूसरी रूम से, ऐसी आवाज आ रही है, क्या आवाज आ रही है? और पापा के साथ क्रिकेट खेल लेता हूँ, कभी इधर घूमता हूँ, ये बगीचा बहुत अच्छा बनाया हुआ है, इधर इधर बैठ जाता हूँ, ये पाजी भी हैं, ये एलोवेरा है। हाँ मैं बता दूँ जितने भी लाइव लोग देख रहे हैं, यहाँ पर साइड में एलोवेरा का पेड़ है, तो आराम से मतलब चेहरे के आपकी दमकती त्वचा का राज यही तो नहीं है? अभी तक तो लगाया नहीं है मैंने। वही है वो, बट एलोवेरा एक्चुअली बहुत अच्छा होता है, एलोवेरा। अच्छा राघव, लॉकडाउन के बारे में बात करते हैं, देहरादून भी है लॉकडाउन में बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, जैसे आप नेचर से अपने लगाव की बात कर रहे थे, नेचर ने बहुत ज्यादा ही किया है, तो आपको देहरादून में अब थोड़ा सा पहले वाले देहरादून में और अभी वाले देहरादून में थोड़ा फर्क लग रहा है? बिल्कुल यार, हम ऐसा लग रहा है हम लोग 10 साल पीछे चले गए हैं देहरादून में, बिल्कुल वही माहौल हो रखा है, हेज हट गई है, पॉल्यूशन कम हो गया है, तो ये मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा लगता है कि लॉकडाउन साल में एक बार लॉकडाउन होना चाहिए फॉर नेचर टू ब्रीथ, क्योंकि ये बहुत ब्रीथ कर पा रहे हैं यार जानवर, वो
वापस आ चिड़ियाँ अलग अलग बुलबुल सेवन सिस्टर्स सारी चिड़ियाँ वापस आ गई हैं, लोग नेचर ऐसा लग रहा है ब्रीथ कर रही है, सांस ले पा रही है, पहले चौंक के भी ऐसा लग रहा है सांस ले रही है नेचर हमारे साथ, वो महसूस कर पा रहे हैं वो चीज़ ना। गंगा का पानी साफ हो गया हरिद्वार तक, मतलब ड्रिंक बोलते हैं लोग पीने का, हालांकि मैं तो पहले भी पीता ही था लेकिन अभी लोगों के लिए फॉरनर्स के लिए पीने लायक हो गया है ना। तो वो चीज़ें देख के कुछ कुछ कभी कभी अच्छा भी लग रहा है कि यार सिक्के के दो पहलू वाली बात है। और एक्चुअली में नेचर ने बहुत हील किया है हर चीज़। अच्छा राघव, जब इस टाइम की बात कर रहे हैं देहरादून में, आपको क्या लगता है आप, क्योंकि आप देहरादून से ही हो, आपने देहरादून को इतनी क्लोजली देखा है, स्कूल में पढ़े हो आप, वही राजपुर रोड में मैगी पॉइंट में सब खाया है, देहरादून में पहले वाले देहरादून में जब आप स्कूल में थे और अब वाले देहरादून में क्या फर्क आपको लगता है, और आपको क्या लगता है कि हम अपने देहरादून को कैसे और ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं या बेटर बना सकते हैं? यार फ़र्क ये लगता है पहले वाले देहरादून में और अभी वाले देहरादून में कि प्रोग्रेशन के, देखो देहरादून जो है ना, देहरादून में कोई मॉल और बड़े बड़े मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस देखने नहीं आएगा, उत्तराखंड में लोग नेचर देख रहे हैं, तो यहाँ पर डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं कि आप बड़े बड़े मॉल्स बना दो पेड़ काट के या रोड के साइड में लाइटें करवा दो, इसको जैसा था देहरादून लोग नेचर देख, अब दिल्ली बॉम्बे से लोग आएंगे तो मॉल देखने तो आएंगे नहीं, वहाँ पर बतेरे मॉल्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो डेवलपमेंट के बजाय तुम ऐसे डेवलपमेंट करो कि तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग की एक रिट्रीट बनवा दो, कोई एक एक विभाग को तुम श्रीनगर के ऊपर पौड़ी में करवा दो, तो ये सब चीज़ें जो है ना ये डेवलपमेंट के काम आएंगी, टूरिस्ट लोग आएंगे और नेचर को इन्जॉय करेंगे, मॉल्स वॉल्स को इन्जॉय नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मॉल्स और ये सब बनाने के बजाय अपना देहरादून को ऐसे बेचने के बजाय कि खुद कुछ ऐसा करो, जैसे हम लोग मिलजुल के करते हैं, खैर हमारे लोकली आर्टिस्ट के लिए होता है, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक कुछ लेके मैं वहाँ पर ऊपर ही कहीं पर मसूरी के पास है किमाड़ी में मैं एक आर्टिस्टिक स्पेस ऑर्गेनिक स्पेस बनाऊँ, ताकि कोई हाँ कोई अपना पहाड़ी बंदे ने दिया है और लगे कि यार कि कुछ कर रहा है, वरना वही सब आके अपना मॉल्स बना रहे हैं, बड़े बड़े क्रेन लग रही हैं, पुल बन वो बन रहे हैं, तो डेवलपमेंट के नाम पर ना वो गलत जगह ना चले जाए, क्योंकि देहरादून बहुत नेचर के लिए बहुत फेमस है। और जैसे अभी राघव ने मिलजुल के कहा, मिलजुल के जितने लोग नहीं जानते मैं बता दूँ, राघव के जो छोटे भाई यशस्वी, उनका सिल्वर कॉर्ड है उनका प्रोडक्शन, तो उसमें उन्होंने मिलजुल के एक स्टार्ट किया हुआ है जहाँ पर लोकल आर्टिस्ट जो है वो साथ में परफॉर्म करते हैं और बस 20-25 लोग हैं बैठे हुए एज ऑडियंस, और वो बहुत ही कमाल का होता है। ये मेरे बाहर कंट्रीज में बहुत होते हैं ये चलन के, लोग कोजी से बैठे हुए ऐसे गार्डन में, यहाँ पर नहीं देखा था मैंने, देहरादून में इतना ज़्यादा नहीं, ओपन माइक होता है, थिएटर होता है, कभी कभी एक बार मोनोलॉग हुआ, टिल्लू रुपेश टिल्लू स्वीडिश वो है, वो क्लाउनिंग करते हैं, बहुत बहुत अमेजिंग आर्टिस्ट हैं, उनका भी हुआ था, तो हम लोग बहुत अश्वी बहुत ये लोग मिलके सब लोग करते हैं। और अच्छा अच्छा राघव, अभी ये बताओ मुझे, क्योंकि अगर जो इंस्टा पे आपको फॉलो करता है तो आपके बारे में सब जानते हैं कि आप बहुत आउटस्पोकन हैं, कोई भी इशू हो वो पॉलिटिकल हो चाहे कुछ भी हो आप बात करना पसंद करते हो वोकली, तो हमारे जो व्यू पॉइंट है वो सब अलग होंगे, जैसे पापा मेरी मम्मी का अलग व्यू पॉइंट है मेरे से, है ना, और मेरा अलग व्यू पॉइंट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक दूसरे को काटने मारने लग जाओ, तो वैसे देश में भी होना चाहिए, सबके व्यू पॉइंट अलग होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक उसके बिल्कुल पीछे ही पड़ जाओ, उसको व्यू पॉइंट समझो, और लिसनिंग बहुत इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच और लिसनिंग भी बहुत कम हो है यहाँ पर। मैं न्यूज़ चैनल से यहाँ के खोलता हूँ तो बड़ा कुछ सुनाई नहीं देता है, बड़ा मुर्गा लड़ाई योजना चली गई है, समझ रहे हो, तो मुर्गा लड़ाई योजना खत्म कर देनी चाहिए और डिबेट को कन्वर्सेशन में कन्वर्ट कर देना चाहिए, कि कन्वर्सेशन हो गया, अच्छा आप क्या सोचते हैं, अच्छा मैं ये सोचता हूँ, ओके, लेकिन मैं ये सोचता हूँ क्या बातें कर, वो तो रे 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 बड़े बड़े पढ़े लिखे तो ले कुत्ते बिल्ली में तेरे झगड़ रहे हैं, कौन देखेगा बे। अभी अभी रिसेंटली एक चैनल में नेशन वांट्स टू नो, बाकी तो समझ ही जाओगे, वहां पर चल रहा था, तो वो लिटरली वो मिसाइल इंडियन और जो पाकिस्तानी है वो आपस में वो कर रहे हैं कि हम मिसाइल तुम्हें ये कर देंगे, नेशनल टीवी में सोचो आप यहां बैठे हो, मैं यहां और आप बोल रहे हो कि मुझे बहुत बड़े बड़े लोग बहुत पढ़े लिखे लोग, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सही बात है, मैं तो बाला हिसार का आदमी हूँ यार, समझ रहे हो, तो ये क्या फायदा इतना बड़ा स्कूल में यार, तुम इतनी एजुकेशन लेके जब तुम इंटरनली ग्रोथ ही नहीं हो तुम्हारी, वो क्या फायदा उसका, वो तो है। और मतलब कोहनी वाला
होता है वो अलग है वो उनका और मेरा थोड़ा अलग है, लेकिन मजा आता है। वो वही तो घर होता है, वही तो देश होता है, व्यू पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, सब सुने एक दूसरे को। अच्छा उसके साथ साथ राघव आपसे बात हुई रही थी कि कई बार लोग ना कई मैंने आपको वो इंस्टा पे स्टोरी डालते हुए बड़ा देखा है कि लोग बोलते हैं अरे भाई 10 रुपए रिचार्ज करा दे, वो क्या किस्सा है वो? मैंने आप आए दिन मतलब कुछ ऑल्टरनेट डेज में वो लोग कुछ खुराफात होते रहे और कुछ ना मतलब मजे आते रहे। मैं आप देखेंगे कि इंस्टाग्राम में क्या है, सब लोग देखते हैं कि फैंस की टैटू भी डालते हैं, मेरे को नहीं पसंद वो डालना क्योंकि वो अजीब लगता है। तो मैं क्या करता हूँ, जो फैंस ऐसे अतरंगी से होते हैं ना कि भाई 50 रुपये का रिचार्ज करा दो, राघव भाई बिग फैन ये बंदा सही है, तो उसका मैं रिचार्ज करा के उसकी अच्छा, पोस्ट डालता हूँ अच्छा, 50 रुपये का, तो वो उसका और वो डाल देता हूँ मैं पोस्ट में, तो क्या होता है वो मजा भी आता है उससे किसी से बात करने में, ऐसा अतरंगी होता है भाई। एक ने बोला भाई ये है, तो मैंने उसको क्या लिखा था, ऐसा कुछ लिखा था कि भाई मैं ये मेगा मार्ट के सामने खड़ा हूँ, भीम निर्मा कुछ और पीछे होगा, बेहिचक बोलना मैं ले आऊँगा तुम्हारे घर, तो मैंने ऐसे करके वो पोस्ट किया था। तो ये सब चीज़ें ना बड़ी मज़ा आता है मुझे ना कि लोगों से खुराफात करने, और इससे पता चलता है कि राघव खुद तो आप खुराफात हो, आपके ना जितने भी तो हमने चैरिटी इवेंट रखा था उसके लिए, जो सीरियल हमारे जो डांसर्स हैं, तो हम लोग गेम खेल, मैं तन्मय भट्ट और रफ्तार और ये यूजी भाई, यूजी चहल जो क्रिकेटर है, तो हम लोग मिलके हम सबने बहुत सारे लोग थे, कैरी भी आया था बीच में, तो हम लोगों ने सब मिलकर किया। तो वहाँ पर जो खुराफाते हम कर रहे थे, हालांकि चैरिटेबल इवेंट था, लेकिन जो खुराफाते कर रहे थे लोग उसके साथ जो मैं देख रहा था मज़े लेके डोनेट कर रहे थे, वो बड़ा अच्छा सिस्टम होता है जब तुम पब्लिक के साथ ना एक उस, क्योंकि क्या होता है यार तुम्हें रिलेटेबल होना बहुत ज़रूरी है पब्लिक से, क्योंकि अभी वो ज़माना चलेगा कि यार हीरो हीरो की तरह लग रहा है, हम तो नहीं बन सकते वैसे, नहीं और आजकल वो लार्ज देन लाइफ वाली इमेज लोग देखना भी नहीं चाहते। जब तक अगर मैं आपको फॉलो करती हूं, मैं आपको पसंद करती हूं, तो मैं चाहूंगी कि राघव वो सारी चीजें करे जो मैं करती हूं, और वो बन भी नहीं सकता हूं क्योंकि मैं यहां का हूं, क्योंकि अभी भी हम लोग बॉम्बे जाके मैं थोड़ी बहुत बातचीत भी करने लग गई हूं, लेकिन वो बन भी नहीं सकता हूं क्योंकि वो हूं नहीं मैं, अपने रूट से जुड़े हैं, रूट से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है, वही प्लस पॉइंट है राघव, आपको वही प्लस पॉइंट है, और किसी का भी प्लस पॉइंट है, कह रहा हूं सारे एक्टर सबके लिए रूट से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है अगर आप ऑलरेडी बनावटी हो जाएंगे तो आप दूसरा कैरेक्टर कैसे बना पाएंगे, आपको खाली तो होना पड़ेगा, खाली रहना, हमेशा खाली रहना पड़ेगा, ओपन रहना पड़ेगा। अच्छा उसके साथ साथ मैं देखती हूँ आजकल आप इंस्टा लाइव अपने जो एक्टिंग के जो सेक्रेट गेम्स में ईसा भाई हो, क्या कैरेक्टर हो, तो वो हम देख चुके हैं, तो एक्टिंग मतलब एक्टिंग में अब आपका मतलब अब आप घर पे हो तो क्या कैसा कैसा जा रहा है एज एक्टर राघव? देखो क्या होता है ना, कोई गिटार बजाता है तो क्या है वो गिटार बजा के दिखा लेगा, उसके पास इंस्ट्रूमेंट है, वो तबले वाला तबला बजा के दिखाएगा, डांस वाला डांस करके दिखा देगा, एक्टिंग वाला क्या बोला एक्टिंग करके दिखाया, ऐसा नहीं होगा। तो एक्टर्स के लिए एक्टर एक्टिंग एक बहुत कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, एक्टिंग ऐसे नहीं कर सकता, जो शीशे के आगे वाली एक्टिंग तो बहुत ही खराब रहती है, जो लोग शीशे के आगे वाली करते हैं वो मत करना क्योंकि आपको कभी बाहर से नहीं देखना, अपने आप को अंदर तो चल रहा है वो होना चाहिए, तो वो बहुत ख़राब होती है। वो जो सारे एक्टर्स को भी बोलूँगा, हालांकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ अभी, मैं इतना वो नहीं हूँ, लेकिन मैं जो भी सीखा हूँ उसका बताऊँगा आपको, बहुत डीप बात करी है आपने। हाँ, वो शीशे वाली एक्टिंग मत सीखना क्योंकि उससे क्या होता है आप हमेशा सेल्फ कॉन्शियस रहोगे, आप सेल्फ अवेयर नहीं रहोगे, आप देखोगे कि अच्छा हाँ मैं ऐसा देख रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं वो बिल्कुल गलत है, वो होना चाहिए, वो आपकी सेकेंड नेचर क्या बोलते हैं वो बन जाना चाहिए, तो वो होता है, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है, तो वो कोलैबोरेटिव रहना है, लेकिन मैं अभी बहुत एक्सेप्ट कर लिया चीज़ें जो हो रही है, बहुत सारे एक्टर उस जोन में चले गए सल्किंग, बहुत सारे जो हैं न्यू कमर्स कि यार क्या हो रहा है हम तो कुछ कर नहीं पा रहे क्या करें, तो क्या है कि अभी ये प्रोसेस है इस ये एक्सेप्ट कर लो, हम एक्टर से पहले इंसान है, सही बात है ना, हम हमारी एक्टर लाइफ भी है, मतलब जो एक एक्टर जो मेरी लाइफ है नॉर्मल, हाँ मतलब वो प्रोफेशनल है हमारी ये लाइफ है, तो अभी क्या है ये एक्सेप्ट कर लो यार, ठीक है अभी नहीं हो रहा काम, नहीं हो रहा कोई टेंशन नहीं है, अभी ये एक्सेप्ट करो, ये अभी निठल ले हो, इसमें तुम्हारा मन है प्रोडक्टिव होने का, एक्सरसाइज करने का, योगा करने का, कुछ ना करने का, मम्मी से बात करने का, पापा से बात करने का, पूरा दिन वॉक करके ऐसे इधर उधर घूमने का, तुम्हारी मर्जी हो, तो उसको अभी बिल्कुल आप उसमें एंग्जाइटी में मत जाइए और सल्किंग जोन में मत जाइए, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा। आपने बहुत ही आराम से ना बहुत बड़ी बात कही है, क्योंकि इस वक्त ना इतने
डिप्रेशन के केसेस भी और मेंटल हेल्थ, क्योंकि लोग जो काम कर रहे थे हमें लग रहा था कि भाई मतलब अगर मैं काम कर रही हूँ मुझे लग रहा है कि भाई मेरा जो प्रोफेशन है मैं बस वही हूँ, और जब वो प्रोफेशन नहीं रहा, नहीं रहा। एक तो इंसान सोच रहा है कि मेरी तो इंडिविजुअलिटी कुछ है ही नहीं। हाँ। तो ऐसे में जो आप कह रहे हो ना, हाँ। तो बात वो बहुत आई थिंक डीप बात है, उसको बहुत समझने वाली बात है कि आप मतलब राघव जो है ठीक है वो डांसर भी है, एक्टर भी है, वो देहरादून का भी है, एक बेटा भी है, सब कुछ है वो, सिर्फ आप एक ही चीज अंग्रेज भगत सिंह को आगे बोल रहे हैं आपका मूवमेंट ऐसा करना चाहिए आपको, नहीं वो आपकी मैं मजबूरी समझ पा रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर सकते अभी ये एक सिचुएशन में हमारी दुनिया, और आपके ऊपर है वो आप कैसे उसको ले, वो मैं बोलना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा राघव, अभी अभी अंकल से बात हुई, अंकल कहते हैं आप घर में ही सब कुछ आपका चल रहा है, मतलब ये एड भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, तो अब घर में लिटरली घर में बैठ के काम करना वो किसी भी लिए वो कैसे मैनेज हो रहा है, अरे मम्मी जरा मिक्सी बंद करो, ये मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ, अरे 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 वो डॉगी को चुप कराओ, अरे पापा को खिट, तो वो कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है वो, क्योंकि क्या हो रहा है कि एक फ्लिपकार्ट का शो कर रहा हूँ वरुण धवन में, इसमें और भारती दीदी मेंटर है, तो अगर हम लोग बात करते रहते तो वो भी उनका भी यही होता है, अरे यार मम्मी बहुत वरुण भाई भी बहुत वैसे हैं, उनके घर में वैसा माहौल है, पंजाबी माहौल है एकदम, समझ रहे हो, तो भी अरे यार वो बंद करो यार मिक्सी में शूट, मतलब बोल रहा हूँ पब्लिक से कुछ बात कर रहा हूँ शूट चल रहा है उसका, तो ये सब चलते रहता है, बहुत अच्छा माहौल है यार घर में। और ऐसा कोई किस्सा हुआ है ना कि आप मतलब शूट कर रहे हो और पीछे से मम्मी खिटपिट कर रही है या अंकल कर रहे हैं? ये दरवाजा एक दिन क्या हुआ, वो माहौल क्या बताता हूँ, ये दरवाजा एक दिन ये वाला दरवाजा ऐसे खुलता है तो ड्राइंग रूम का बंद होता है, तो पापा ने बोला मम्मी ने बोला यार ये ऐसे उल्टा रहता है, इसको उल्टा करके लगा दो, मतलब इस साइड से खांचा लगा दो उसका, तो उन्होंने आके इस साइड से लगा दिया, अब इस साइड से पूरी उसकी वो एक साइंस ही बदल गई, ना जैसे खुल पा रहा ना बंद हो पा रहा, मैंने कहा ये क्या कर दिया बवाल, और उस दिन मेरा शूट है। अच्छा। फिर दोबारा बुला के कार आया कोई बंदा, उसने इस साइड को इस साइड किया, क्या चल रहा है जोकर मेरी बया घर में, ये दरवाजे इधर हो रहा है फिर उसको इधर लगा रहे हैं, ये तो मोदा नहीं बात होगी, हेरा फेरी वाली हो रही है, वो सरकार के अंदर उस दरवाजे से वो बाहर निकल जाता है, फिर लोग घुसते तो इस दरवाजे से वो बाहर निकल जाता है, तो वो सब चल रहा है घर में, मेरी शूट चल रही है, तो दोस्तों देख ही सकते हैं आप क्या हो रहा है इधर माहौल, और मैं संवाददाता आपका ऐसा वाला माहौल था, तो ये सब चलते रहता है घर में, तो ये घर को घर ही रहना चाहिए, लेकिन अभी घर में बैठ के काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं। एक ने मुझे बोला की अच्छा आप अगर थोड़ी शेयर कर दी, मैंने कहा ऐसा है वो गरीबा समझो मैं बॉक्सर में शूट नहीं करता, तो उन्होंने कहा ठीक है सर ठीक है, वो जानते हैं मेरे को ना, उन्होंने भाई ये करेगा नहीं इसको ऐसे करा दो, हाँ ठीक है कोई नहीं जो पहनना पहन लीजिए, मैंने कहा ठीक है। अच्छा ये भी बड़ा आजकल चल रहा था कि क्वारंटाइन लोग पार्टनर से बाल कटवा रहे हैं, मम्मी पापा से बाल कटवा रहे, दाढ़ी कटवा रहे, तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ? ऐसा तो मैंने खुद ही कर लिए थे, ऐसा नहीं कि मम्मी जरा ये कट दो पापा, दाढ़ी आ रही तो आने दो। अच्छा आत्मनिर्भर एक फिल्म है बहुत हुआ सम्मान, और वो वैसी उसमें सारे ड्रामा स्कूल के एक्टर्स हैं मेरे साथ, okay. और संजय मिश्रा जी हैं, अच्छा, और राम कपूर हैं, नमित दास हैं, निधि सेन हैं, अभिषेक है, तो सारे आर्टिस्ट मतलब ऐसे जो मेरे से बहुत दिग्गज और बहुत एक्सपीरियंसड है, और वो ऑडिशन क्लियर करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, उसके बाद ऑडिशन से किया, और मैं सब ऑडिशन ही देना पड़ता है, मैं देता हूँ ऑडिशन जाके, क्योंकि ये वाली फिल्म को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने बड़े स्टार हो, क्योंकि उनको फिल्म बनानी है, वो ये जो वाली फिल्म होती है, जैसे मैंने ये करी अब ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार में आएगी शायद से, और यूडली की प्रोडक्शन है, यूडली इस बार लास्ट टाइम नेशनल अवार्ड लिए उन्होंने को, तो हाँ तो वो उनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन राग क्या है क्या नहीं है, वो ऑडिशन लेते हैं, तो करेक्टर में सूट होगा तो वो उस हिसाब से करेंगे, तो मेरे को भी यही जोन में जाना है, क्योंकि क्या है अब
वो हो गया यार, इनके डांसर आ मेरे राघव तो करते नहीं, अभी मेरे को ऑडिशन देना है, रिस्क लेना है नया एक्टिंग में, देखता हूँ हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो वही है, तो ये फिल्म आ रही है एक मेरी, जैसे ही थोड़ा बहुत ये ख़त्म होगा तो सब काम हो चुका है उसका, बस इसको अभी वो आने वाली है। और बहुत बड़ा सम्मान नाम है, पॉलिटिकल सटायर है वो भी। ओके और बहुत मज़ेदार ढंग से हमने सब टेक्स्टुअली दिखा दिया है पॉलिटिकल सटायर की, क्या क्या होता है देश में, किस इसको ह्यूमरस बना के। और क्या उससे आपको ना थोड़ी जाने भी दो यारों के बाद आपको ये ऐसी लगेगी। हाँ तो वो वैसे ही बनी, आर्टिस्ट से मिल के डायरेक्टर हमने कोलैबोरेट किया, मिश्रा जी और हम लोग वर्कशॉप करते थे, तो वो बहुत मज़ेदार एक प्रोसेस है उस फिल्म का। मैसेज नहीं, फिल्म बनी है वो अपना सटायर है, मतलब पॉलिटिकल सटायर है जो भी हो रहा है, मतलब प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे फिल्म में क्या होता है कि फिल्म बनाने के लिए प्रीचिंग हो जाती है कि ऐसा कर, प्रीचिंग नहीं हो रही, फिल्म है इट्स फॉर सिनेमा, और उससे अपना भी पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। और वो है स्टूडेंट है हम BHU के, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है वहाँ के स्टूडेंट हैं हम दोनों, और मिश्रा जी वहाँ के एलुमिनाय हैं जो वहीं पर बाबा बन चुके हैं, और बिल्कुल कम्युनलिज्म और कैपिटलिज्म और इसकी बातें चलती हैं, तो वो बहुत ही मज़ेदार और ह्यूमरस वे में हम लोग दिखा रहे हैं। बैंक रॉबरी के बाद की कहानी है, लोग जनरली बैंक रॉबरी करते हैं, बैंक रॉबरी के बाद की कहानी है, ज़्यादा नहीं बताऊँगा इतना काफ़ी बता चुका हूँ। नहीं नहीं बट काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। सबसे बात यहाँ पे कि मुझे भी और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को आपकी खास बात ये रखती हूँ कि आपने बहुत एक्सपेरिमेंटल, मतलब ठीक है भाई ठीक है ये अब कर लिया, चलो चलो ऐसा ना एंकरिंग भी करके देखते हैं, चलो ठीक है वो कर लिया, चलो एक्टिंग भी करके देखते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं, मतलब यू आर क्वाइट, यू आर रियली गुड, और आप राघव सिर्फ डांसर नहीं एंटरटेनर के रूप में जाना जाता है, वर्सेटाइल जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा अच्छा उसके साथ साथ राघव ये बताइए, मतलब आपके हिसाब से, क्योंकि आप देहरादून से ही हो, तो देहरादून में आप आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें चाहते हो कि हाँ यार हमारे देहरादून में ये बदलाव या ये चीज़ें आप देखना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूँ देहरादून में ये एक तो आर्टिस्ट कितने जो है हमारे आर्टिस्ट हैं, आपके यहाँ जो भी प्रश्न या क्वेश्चन इसमें ये बताइए और हम लोग उसका जवाब दे देंगे। कुछ कमेंट्स वगैरह कुछ आ रहे हैं सर, तो कमेंट्स वगैरह कुछ आ रहे हो बता। हाँ तो वो है कि यार जो हमारे आर्टिस्ट की कम्युनिटी है वो यूनाइट हो जाए, जैसे मैं और जुबिन भाई कभी कभी मिलते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग जब मिलते हैं ना तो एक एक अपनापन रहता है कि यार चलो कोई अपने एरिया का अपनी कम्युनिटी का कोई साथ है, तो उससे क्या है आप कम्युनिटी में यूनिटी बनानी बहुत ज़रूरी है, तो आर्टिस्ट के जैसे हम लोग मिलजुल के करते हैं वो हो जाए। और वही जो मैंने बात बोली यार डेवलपमेंट की, यार आप डेवलपमेंट को मॉल्स और बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने में मत देखिए, इसको आप नेचर रिजर्व कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को इस एरिया को नेचर कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, आप प्रिजर्वेशन में ध्यान दीजिए, ये सब चीज़ों में मैं चाहूँगा कि लोग ज़्यादा ध्यान दें। एक्चुअली मैं बहुत अच्छी बात रखूँ आपने कि देहरादून में बहुत आर्टिस्ट है, मतलब मुझे लगता है, मतलब मैं मुंबई नहीं की लेकिन मैं मुझे नहीं पता वहाँ क्या हिसाब है, लेकिन अगर मैं देहरादून की बात करूँ तो देहरादून में इतना म्यूजिक को लेकर स्पेशल इतना टैलेंट है कि डांसिंग और सिंगिंग को लेकर आई एम श्योर आपने बढ़ रहा है, इतने रैपर्स हैं, गढ़वाली रैपर्स हैं भाई, बाबर भां वो इतना जबरदस्त है, मतलब वो रीजनल म्यूजिक भी करने वाले हैं, वेस्टर्न म्यूजिक करने वाले भी, इतने इतना भयंकर टैलेंट है। तो अगर जैसे आपने कहा कि आप जुबिन के साथ कुछ मिलकर करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है पूरा देहरादून जो है वो उत्तराखंड जो है मिलकर ही हम लोग मिलते रहते हैं, हमारा जैसे आप भी कोई देहरादून उत्तराखंड से है बॉम्बे में या कहीं पर है, तो आप लोग साथ मिलिए डिसाइड कीजिए क्या होगा। जैसे मेरे साथ ताबिश है, ताबिश ज्वालापुर का है, उत्तराखंड हरिद्वार का है, और जुबिन भाई हैं, और हम लोग मिलते रहते हैं वहाँ पर जो भी देहरादून के, विक्रम है जो सीरियल बारिश एक सीरियल आ रहा है आजकल, विक्रम देहरादून का है, ठीक है। तो ये सब जो देहरादून के जितने भी एक वहाँ पर एक ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं जिनसे मैं मिलते रहता हूँ, तो आप अपनी कम्युनिटी को वहाँ जाके मिलिए, उनसे बात कीजिए सब क्या हो रहा है, हम यहाँ का यहाँ के लिए कैसे मतलब कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे चीज़ें हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कैसे कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, और बस बातें करनी बहुत ज़रूरी है यार, और आपस में जो करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है आपने कही। एंड राघव आखिरी में मैं ये चीज़ एक फन वे में मैं जानना चाहूँगी, अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन खुलते ही मतलब ऐसी कौन सी 3 जगह हैं उत्तराखंड में
जो आप मतलब इंतजार कर रहे हो कि इनका लॉकडाउन खुले और भागे मैं जाऊँ, कौन सी वो तीन जगह? शरबत पियो पहले वहाँ पर लॉकडाउन में पहले। आपने कभी वो देखा है कि जब गाड़ी में जो लोग अपने कुत्ते को पमेरियन को वेट के पास ले जाते हैं तो हाँ। कैसे रहता है खिड़की के बाहर? हाँ, हाँ, हाँ। मैं पूरे उत्तराखंड में ऐसा घूमूंगा पूरे उत्तराखंड में, यहाँ गुमखाल बैरूखाल ये नैनीताल नौकुचिया ताल सारे ताल सारे ताल हाँ सब घूमकर ऐसे कुछ कुत्ते की तरह बाहर, क्योंकि सारा कुछ इतने दिनों तुम घर में है बाहर ऐसे घूमू हर जगह। अपने दोस्त मेरे सारे टीवी हैं गढ़वाल में रहते हैं, दोस्त को यहाँ रहता है, सबसे मिलके एक टेम्पो ट्रैवलर बुक करूंगा मतलब प्लान कर लिया है ऑलरेडी। हाँ, मेरे रावत जी हैं, वो रावत जी हमें ले जाते हैं टेम्पो टेम्पो ट्रैवल, हम लोग जो घूमते हैं ट्रैकिंग वैकिंग पे जाते हैं और समिट वमिट पे जो ले जाते हैं, हम लोग पूरा वहाँ जाके एक पतीला रखूंगा आटा चावल दाल वहीं पर जहाँ पर नदी दिखी पाट लगाने का वहाँ आग लगाने का काट काट प्याज टमाटर काटा और बना दिया मीट चावल। पहली चीज तो यही है। अच्छा, और दूसरी चीज और कौन कौन सी चीजें? दूसरी चीज ट्रैवलिंग के अलावा उत्तराखंड में, हाँ मतलब उत्तराखंड में या कुछ भी देहरादून में, उत्तराखंड में अश्विनी को बोलूंगा मिलजुल के एक बार दोबारा करा ताकि सारे आर्टिस्ट मिले और जो हमारा होता ही आप भी आते हैं बहुत आते हैं तो सारे आर्टिस्ट आते हैं कोई थिएटर वो हो ये करूँगा मैं। दूसरी चीज बस घूमना चाहूँगा यार, मैं गांव जाना चाहूँगा अपने, वही सब है। तो बिल्कुल राघव का मतलब नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री एक ही है कि भाई घूमना है घूमना है घूम रहा है बस। टू थ्री तो बनाए नहीं, मन ही पे अटका हूँ। एक क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में लौटने की बात हो रही है तो आप उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को सरकार ने भी बहुत इस साल काफ़ी कुछ किया है, जैसे टैक्स फ्री मैंने सुना था यहाँ पर जो शूटिंग्स हैं वो काफ़ी टैक्स फ्री हो गई हैं ये, और इसकी वजह से काफ़ी शूटिंग्स यहाँ पर हुई हैं। 1971 एक वो फिल्म थी उसकी, ये अपनी कौन सी थी जो शाहिद कपूर की थी, बत्ती गुल मीटर चालू, ठीक है। आप यहाँ पर आप क्यों जाने आपको स्विट्जरलैंड इधर उधर यूरोप, आपका यूरोप यूरोप ये आप एक बार आइए, अनडिस्कवर्ड जगह है उत्तराखंड में, ऐसा उत्तराखंड हमारा और सब कुछ है यहाँ पर, वातावरण अच्छा है, चौलाइयाँ उगती है, लौकियाँ उगती है, टिंडे यहाँ उगते हैं, चावल यहाँ है, चकराता में राजमा यहाँ है, ये यहाँ पर सब कुछ है, आप आइए एक्सप्लोर कीजिए। और मैं दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि मैंने ये किया है कि मैं इंस्टाग्राम पे कहीं भी शो में जाता हूँ तो मैं अपना उत्तराखंड वहाँ पर झलकाता हूँ, ये क्या वो झलकाना ज़रूरी है क्योंकि आपकी रूट जो है ना वो बहुत ज़रूरी है आपके अंदर रहनी है, आपका अस्तित्व ही हुआ है, क्योंकि क्या है कि आप अगर कुछ बनावटी करने जाएंगे वहाँ तो आप कर नहीं पाएंगे, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, वो पता लग जाएगा, कैमरा सब कुछ पकड़ लेता है, तो आप जो है ना अपना अस्तित्व मत मिटाइए, रूट्स के साथ जुड़िए। और इधर की इंडस्ट्री मैंने दो तीन बार एक वीडियो भी बनाया था यहाँ पर, एक म्यूज़िक वीडियो बनाया था यशस्वी के साथ मैंने, अभी एक यशस्वी ने एक फिल्म कम्प्लीट की है जो उत्तराखंड की पहली नॉन एक्टर्स को लेकर उसने फिल्म बनाई है जो अभी फेस्टिवल में जा रही है। अच्छा, वाव। उसको मैंने प्रोड्यूस किया है। अच्छा। हाँ, तो और वो कहानी है गांव की कहानी है, गांव की एक औरत जो पलायन कर लेती है एजुकेशन लेने के लिए शहर में, तो उसके बाद गांव का माहौल और वहाँ का माहौल क्या हो रहा है उसके जाने से पहले, उस औरत के औरत कैसे औरतें कैसे बात करती हैं खेतों से खेतों में क्या रहे बोले मतलब वो सारा माहौल मैंने दिखाया और हम मैंने प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस तो क्या है कि ये मैंने इन्वेस्ट किया है उसमें सारा दिमाग यशस्वी का है, तो हम लोग ये कर रहे हैं। तो ये फिल्म हालांकि पॉपकॉर्न वाली फिल्म नहीं है अपनी, फेस्टिवल वाली फिल्म है थोड़ी, तो ऑब्वियसली। और उसके साथ भी जितने लोग आपको वो जानते हैं उन्हें पता है कि आप मतलब नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री बल्कि उत्तराखंड से जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको प्रमोट या उनको आगे लाने में हमेशा वो डांस प्लस में कोई आ रखा है कोई देहरादून का वो संकल्प लोग हो, आपने हमेशा मतलब यू हैव ट्राइड योर बेस्ट कि भाई उनको थोड़ा पुश किया जाए, चाहे मैं उनके लिए क्या करता हूँ कि उनके साथ कुछ फनी मोमेंट बना देता हूँ कुछ, वो आपके ऊपर है वो क्या कर कैसे कर आपके ऊपर है, स्टेज को आप स्टेज आपका भाई आपका है, फिर आप जो भी करो उसमें तो वो आपके ऊपर, आप कैसे आर्टिस्ट को फनी मोमेंट बना के उसका कुछ बना दो या, तो ये सब बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। और जो अब ऐसे नहीं कि जो डिजर्विंग उन्हीं को, हाँ ऐसा भी नहीं कि आप हर किसी को वो नहीं, मेरे को सड़क से उठा के स्टार नहीं बनाना भाई किसी को, मैं वो प्रोड्यूसर नहीं हूँ, जो डिजर्विंग है जो बेचारे लगे पड़े हैं जो अपनी आर्ट दिखाना चाहते हैं उनको वो परखिए और वो दिखाइए और वो उनके साथ कोलैबोरेट कर लीजिए, जैसे कर शुरुआत में कर्मा था, अब तो खैर रफ्तार के साथ मैंने इंट्रोड्यूस कराया रफ्तार के साथ, कर्मा भी बहुत जबरदस्त है।
तो फर्स्ट टाइम जब गरबा नहीं था रफ्तार के साथ जब नहीं था तो मैंने मेरा मन था कि उसके साथ कुछ करूँ, तो हमने रैप वीडियो बनाई थी देहरादून में ही। अच्छा। हाँ, फिर मेरा दोस्त है, मेरा जिगरी आ रहा है, मतलब बचपन का दोस्त है ताबिश पाशा, वो सिंगर है बहुत बढ़िया। अच्छा। उसके साथ मैंने देहरादून में आके वीडियो बनाई है कि इंतहा हो, एक गाना था, तो मैं इनके साथ कोलैबोरेट करते रहता हूँ। हालांकि मेरे बोलते रहते हैं वो वहाँ क्यों जाना है क्यों करना है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। आप आर्टिस्ट यार, आपको नदी की तरह रहना चाहिए, कहीं पर भी जाए वहाँ से होके ऐसा नदी की तरह। क्या बात है। एक क्वेश्चन और है राघव, व्हाट चेंजेस डिड यू नोटिस इन रिसेंट इयर्स इन देहरादून? रिसेंट ईयर्स, हालांकि वो बता चुके हैं लेकिन अभी है। मैं बता चुका हूँ, मैं फिर बताऊंगा कि यार देखो डेवलपमेंट के नाम जैसे देहरादून में जो भी आएगा वो मॉल्स और बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस देखने नहीं आएगा, यहाँ पर वो नेचर एंजॉय करने आएगा। तो डेवलपमेंट के नाम पे आप पेड़ों को काट के मॉल्स और ये सब ना बनाएं, इससे अच्छा नेचर रिजर्व करें, प्रिजर्व करें। तो ये चेंजेस मैंने देखे यार हमारे टाइम से, कहा हम कभी भी किसी भी जंगल में कहीं भी, तो वो जरूरी है कि कहीं बाहर खोले के नीचे बैठे हुए ज़्यादा चिल्लाना मत, वाटरफॉल के नीचे छल लग जाएगा, ये सब चीज़ें। तो अभी कहा छल के नीचे तो मॉल बन गए, भूत भी बोल रहे सारा, क्या हो गया भाई, गाँव सब पलायन कर गए गाँव। तो वो जरूरी है, तो वो आप डेवलपमेंट के नाम पर मॉल्स ना बनाए, इससे अच्छा नेचर प्रिजर्व कीजिए, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व कीजिए। क्योंकि देहरादून में लोग आएंगे मॉल्स देखने नहीं आएंगे, दिल्ली बम्बई से वहाँ पर बहुत मॉल्स हैं, यहाँ पर लोग आएंगे नेचर इन्जॉय करने, वो रखिए। मैं बहुत सारी जगहों के मोमो खाता हूँ। अच्छा। एक तो एक लच्छी वाला के पास है सौम्या। अच्छा। ये देखा होगा आपने, देखा होगा सौम्या है, वहाँ जाता हूँ मैं खाने। एक टंडन है हमारा। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, टंडन भी है हमारे। एक लासा है जो जो गली के अंदर जाके राजपुर में। अच्छा 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 अच्छा, वो वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है, वहाँ खाता हूँ मैं। और मेरे तिप्ती दोस्त हैं कुछ, तो उनको कभी बोलता हूँ बना दो यार, कर दूँ थुप्पा वगैरह। बाकी बाकी तो जगह तो यही होती है, पैक करा के गाड़ी कहीं भी लगा देते हैं। हाँ बस, तो देहरादून का तो फंड यही है। जब लोगों को पता लगेगा कि इनकी ये फेवरेट जगह है तो तुम्हारे आने पे पहले ही पहुंच जाएंगे। एक यहां तो आ ही सकते हैं। एक आगरा खाल में मिलता है मटर चावल, खाया है किसी ने? हालांकि मैं नॉनवेज पूरा छोड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ आके खाना पड़ता है। बॉम्बे में मैं छोड़ देता हूँ, बॉम्बे में जरूरत नहीं पड़ती मुझे। यहाँ क्या मम्मी बनाती है, सब उनको नहीं बोल सकता ये भी। हाँ, नहीं, नहीं, शौक है। लेकिन नहीं, शौक भी ऊपर से कुछ होता है, मम्मियों का ना कुछ सेंटीमेंट भी जुड़े होते हैं। अगर उन्होंने कुछ पकाया है और आपने ये बोल दिया कि नहीं खाना, तो फिर तो यहाँ हो सकती है। बाकी क्या मेरे को भाना भी मिल जाता है, हाँ अब तो खा सकता हूँ, वहाँ नहीं खाता, बॉम्बे में छोड़ देता हूँ। तो आगरा खाल में मिलता है, बहुत फेमस है, पता नहीं जानते होंगे, बहुत पुराने लोग जानते होंगे यहाँ के उत्तराखंड के। जब आप जाते हो टीरी तो बीच में आगरा खाल पड़ता है। अच्छा, एक है आगरा खाल पड़ता है, वहाँ का ना दुकानें लगी हैं एक साथ। अच्छा। वो बहुत सालों से मटन चावल देते हैं लोग, बहुत हम लोग तो बाइक में जाते थे पैशन प्लस में, तब 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 बैठे हुए और निकल के मटन चावल खाने वहाँ। तो लोकल हूँ यार मैं बहुत, तो अभी भी मेरा छोड़ता नहीं हूँ, जब भी वापस आता हूँ वहाँ जाता हूँ। मेरा एक दोस्त रावत नाम है उसका, वो ही पकाता है। और सबसे अच्छी बात, राघव से जब भी बात करो तो एक ना एक एनर्जेटिक और एक एनर्जी हमेशा होती है। कभी भी आपसे बात करके ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कह रहे हाथ ठीक है वो वाला नहीं होता, आपको हमेशा होता है हाँ 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 बताओ, अच्छा ये क्या करना, अच्छा ये करना। वो कहते हैं ना, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा देहरादून देहरादून भी, और क्या होता है ना, अभी वो जमाने चलेगा कि जब आप देखो हीरो को यार ऐसा बनना है यार, नहीं, हीरो आपकी तरह होना चाहिए। सही बात है। आप उससे रिलेट करो, पब्लिक का आदमी आप रिलेट कर पाओ उससे, यार ये तो यार अपना ही लड़का है यार, ये तो आगरा कहाँ जाता है, अबे जाता क्या है, वो जा रहा हूँ शुरू से, अब उसको चेंज तो ना कर सकता है, चेंज करूंगा तो वही हो जाएगा, वहाँ लोगों को डिप्रेशन वो सब होता है, तो वो नहीं छोड़ने का।
आप ऐसे राघव को देखते रहो क्योंकि राघव से आपको सारी ऊर्जा ऊर्जा मिलती रहेगी, पॉजिटिविटी मिलती रहेगी और ऊर्जा जो यार मंगल नाम बोर्ड में चेंज कर दे ये कम है क्या ऊर्जा, ये भी बिल्कुल क्योंकि सच में मैं अभी अंकल को देख ही रही थी, मैंने जितनी बार भी अंकल को आपको यशस्वी के साथ देखा है, अंकल आंटी मेरे पेरेंट्स भी क्योंकि ऐसे हैं, वो बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे भी कर रहे हैं तो माँ भी ऐसे रहते हैं। अभी मैं अंकल की थी अंकल ऐसे जब राघव बोल रहे अंकल ऐसे अंकल और हंसते रहते हैं के। वो उससे पता चलता है कि पेरेंट्स इन्वॉल्विंग कितने हैं। एक दिन लॉकडाउन के दौरान मैंने मजाक किया पापा से, पापा मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ा ना घर तक जा रहा हूँ, पापा कह रहे थोड़ा सा अखरोट डाल ले पीछे कहीं डंडे पड़े तो अखरोट ले आ रहा, मैंने टूट जाएगा टूट नहीं पा रहा मैं, मैंने कहा यार क्या बोलते रहते हैं यार कुछ तो रखो। तो एक माहौल ऐसा बना रहता है, क्या है कि व्यंग द्वारा बड़ा माहौल बना रहे ना तो यार देश भी अच्छा रहेगा, घर भी अच्छा रहेगा, सब चलता रहेगा, मेंटली भी आदमी हेल्दी रहेगा, बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगा राघव की कुछ बातें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, एनर्जी तो है, बहुत एनर्जी देते हैं आसपास, और सबसे अच्छी चीज़ इनके पेरेंट्स ने इनको बहुत प्रमोट किया है बिकॉज आई नो हिज मदर पर्सनली जो हमेशा इसको इनकरेज करती रही है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है इनकी कि अपने देहरादून के डेवलपमेंट के नाम पर केवल मॉल्स नहीं होने चाहिए, डेवलपमेंट मींस द ग्रीनरी, वी हैव टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ और बर्ड्स जिनको अभी भी इंजॉय कर रहे हैं अपने गार्डन में, सेवन सिस्टर्स बैबलर्स को और दुनिया भर की बर्ड्स को और सब इंजॉय कर रहे हैं, तो देहरादून को प्रमोट करना, इसके टैलेंट को प्रमोट करना भी इनका एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो मैंने बहुत पसंद किया है। ये चाहते हैं कि अपने साथ साथ ये तो खूब इन्होंने तो उत्तराखंड देहरादून का नाम बहुत रोशन किया है देश विदेश में, चाहते हैं कि बाकी लोग भी आए अपने टैलेंट जैसे मिलजुल के में जो आप कर रहे हैं टैलेंट को प्रमोट, और उनको वैसे भी वी फील प्राउड, यू नो यू मेक अस प्राउड राघव, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देहरादून का बच्चा मुंबई थी और वहाँ उन्होंने मुझे किसी ने पूछा कि आप कहाँ से आई हैं, मैंने कहा देहरादून से, अच्छा वहाँ से जहाँ के राघव हैं, आई फील सो हैप्पी, मुझे लगा अरे वाह ये तो प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि देहरादून का नाम राघव मीन्स देहरादून, सो ये कनेक्टेड है, बहुत अच्छा लगा। और मैं एक बार चाहूंगी राघव हमारे जो डून सिटीजंस ऑनलाइन ग्रुप जो हमने शुरू किया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल लोगों से ज्वाइन करना, हाँ ये बोलूंगा मैं सबको कि आप अपील कीजिए ग्रुप बनाए यार, और कोलैबोरेट करना बहुत जरूरी है, अकेला कोई लीडर भी नहीं आगे बढ़ सकता और कोई इंसान भी आगे नहीं बढ़ सकता, लोगों के साथ आगे बढ़ सकते हो आप और लोग एक साथ रहेंगे और यूनिट यूनाइट रहेंगे, तो यही है यूनिटी का ग्रुप है डून सिटीजंस ऑनलाइन, सो प्लीज़ फॉलो, और मेरे जितने फॉलोअर्स हैं मैं बोलूँगा आप उसको फॉलो कीजिए, क्या पता आप भी कभी देहरादून आए तो हमें से मिलने का मौका मिल जाए उसके द्वारा, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, इसको सेव हैव अ नाइस डे कर देता हूं मैं, अच्छी इंस्टाग्राम पे सेव जाता है ना।